मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर हम जेड डिटरमिनेशन के जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन है, कुछ एडमिशन है, इसको आगे जो है या प्रॉपर्टी को आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी और अच्छा टॉपिक है, बार बार रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे डिटरमिनेशन determination in coordinate, determination in coordinate geometry, in coordinate geometry, determination in coordinate geometry, in coordinate geometry के अंदर determination हमको जो है इसका जो है निकालना है। ठीक है, जैसे मान लिया ये थ्री पॉइंट हैं कि लेट एक ट्राइंगल है, लेट ए बी सी द ट्राइंगल, लेट ए बी सी द ट्राइंगल हूज वर्टिसेस इज एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई। लेट डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्री निकालना है, क्या है, एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा था, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हाई स्कूल में पढ़ा था ये वन बाई टू, कि क्या पढ़ा था ये वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, क्या पढ़ा था एक्स वन, क्या पढ़ा था एक्स वन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इस तरह का फॉर्मूला बना था, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था हमने। अगर इस वैल्यू को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेशन में किस तरह इसको शो करेंगे, इस तरह दिखाते हैं। डिटरमिनेशन ए इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू एक्स वन वाई वन जेड वन, जेड वन तो है नहीं, दो ही है, क्या लिखेंगे एक्स वन वाई वन, वन एक्स टू वाई टू वो एक्स थ्री वाई थ्री है, ये इसका ये दिखा, ये होता है डिटरमिनेशन की वैल्यू, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई थ्री। अब अगर ये पॉइंट आर कोलिनियर हो, कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, अगर इफ लिखेंगे इफ एक्स वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री पॉइंट आर क्या है कोलिनियर, क्या पॉइंट कहते हो, ये पॉइंट सारे क्या हो कोलिनियर हो, इफ द पॉइंट इज कोलिनियर देन देयर एरिया विल बी, देन देयर एरिया विल बी कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, इफ द थ्री पॉइंट आर कोलिनियर देन इट विल बी टू द जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मान लिया क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल थ्री पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये पढ़ा था, डिटरमिनेशन में ऑफ ट्राइंगल निकालना हो ये निकाल लेंगे, अगर थ्री पॉइंट कोलिनियर हो तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेशन की जीरो आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लिया तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जैसे जेड वन, एक जेड टू, एक क्या है जेड थ्री, एक जेड जेड वन है, एक क्या है जेड टू है, एक क्या है जेड थ्री है। जेड वन आ गया एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड वन क्या आ गया एक्स वन प्लस आई वाई वन, जेड टू क्या आ गया एक्स टू प्लस आई वाई टू, जेड थ्री आ गया एक्स थ्री प्लस आयोटा वाई थ्री। अगर ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हैं, अगर ये थ्री पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर हैं, अगर थ्री पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा z1, z2, z3, z1 का बार, z2 का बार, z3 का बार, 1, 1, 1 इक्वल टू, ये क्या कहलाते हैं, इधर थ्री पॉइंट और कोलिनियर क्या है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। द कंडीशन दैट द थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, दैट दैट द कंडीशन थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, द थ्री कंप्लेक्स नंबर क्या है, थ्री कंप्लेक्स नंबर आर कोलिनियर, दैट जेड वन जेड टू जेड बार जेड वन प्लस जेड टू जेड बार जेड थ्री बार वन वन ई विल बी शुड बी टू द जीरो हैं, दैट द पॉइंट विल बी टू द कोलिनियर। अगर कोई मान ली ये, अगर ये आता ये आता है कोई पॉइंट ए ट्राइंगल है, एक पॉइंट थ्री टू है, एक पॉइंट थ्री टू है, बी के कितने हैं, बी के हैं इलेवन एट हैं, बी के कितने पॉइंट हैं इलेवन एट हैं, इलेवन एट हैं, सी के कितने पॉइंट हैं इलेवन और टू है, थ्री पॉइंट हैं ऑफ ए ट्राइंगल, वन एट और एट ट्वेल्व है, वन एट क्या है और क्या है एट और ट्वेल्व है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अभी बताया था मैंने इसको, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थ्री टू वन एट एट ट्वेल्व वन वन वन, इस डिटर्मिनेशन को मैं जो है एक्सपेंड कर लूँगा, इसको कर लो क्या आ गया आंसर, बताओ इसका क्या रहा आंसर जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर बोलो, 25 आंसर इसका आएगा, आंसर आएगा 25 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े, और आगे है, अब मान ले तीन लाइन है, कंसीडर थ्री लाइन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तीसरी लाइन है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, ये तीन लाइन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो, ये तीन लाइन है, इन्हें प्रूव, ये क्या है कंडीशन, दैट दी दैट थ्री लाइन विल बी टू द कॉन्कुरेंट, दैट थ्री लाइन विल बी कॉन्कुरेंट, थ्री लाइन दैट द विल बी टू द कॉन्कुरेंट, ये तीन लाइनें कॉन्कुरेंट कब कब दिखाती हैं, कब दिखाती हैं, तो क्या करते हैं इसमें ए वन बी वन
सी वन क्या रहता है, ए वन बी वन सी वन क्या रहता है, ए वन बी वन सी वन, फिर क्या रहता है ए टू बी टू सी टू, फिर क्या रहता है ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री इज जीरो फॉर द इफ वी हैव गिवन लाइन, थ्री गिवन लाइन आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे फर्स्ट लाइन तो ये रही है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये तीन लाइन आर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये कंडीशन क्या होगी, हियर वेट व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द थ्री लाइन विल बी द कॉन्ग्रुएंट दैट देयर ए वन कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्स के कोफिशियंट है, ये इस तरह लिख के क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसकी डिटर्मिनेशन की वैल्यू जीरो आ जाएंगे, दैट वी सेड दैट द लाइन विल बी टू द कॉन्ग्रुएंट। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, जैसे ये 2x plus y minus 1 इज इक्वल टू जीरो, ax plus 3y minus 3 इज इक्वल टू जीरो, 3x plus 2y minus 2 इक्वल टू जीरो, ये कोई तीन इक्वेशन है भैया, इनको प्रूव करना है, इनको क्या प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन है ये, अच्छा नहीं ये गिवन है कि थ्री लाइन आर कॉन्ग्रुएंट देन द फाइंड द ए वैल्यू, इफ थ्री आर कॉन्ग्रुएंट फाइंड ए वैल्यू, इफ थ्री लाइन आर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन है थ्री क्या है, एबव लाइन क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है तीनों लाइना, तो इसकी ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू वही है तरीका लिखने के लिए, इनकी कोफिशिएंट डिटरमिनेशन लिख देते हैं 2 1 minus 1 a 3 minus 3 3 2 minus 2 इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेशन ये आ गई, तो इसकी जो है इसको सोल्व कर लूँगा, इस सोल्व कर लेगा ए की क्या आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, वी हैव द फाइनाइट वैल्यू ऑफ ए दैट शुड बी, अगर ये कंडीशन दे रखी है कि तीनों लाइनें क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों लाइनें कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या आएगा इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर डिटरमिनेशन की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर ए वी गेट टू द ए विल ए फाइनाइट वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, इफ क्या कंडीशन है, इफ ए एक्स ए वन एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ए एक्स प्लस वाई प्लस वन, क्या ये ए एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, थ्री कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट एंड डिस्टेंट, ए बी सी आर ये जो है लाइन क्या है, आर कॉन्ग्रुएंट, ये लाइनें जो है कॉन्ग्रुएंट दे रखी है तीनों, इनमें फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड ये थर्ड इक्वेशन, एंड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ए बी सी आर अलग अलग हैं, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट हैं, और ये क्या है, और ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या है, तो देन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ
इसकी वैल्यू निकालनी है 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c is equal to 0. इसकी निकालनी है वैल्यू निकालनी है 1 upon minus a 1 upon b minus 1 upon c इसकी वैल्यू निकालनी है. क्या वैल्यू होगी? देखो भाई ये ए इस तरह की तीन इक्वेशन दे रखी हैं, दे रखा है ये कॉन्ग्रुएंट हैं और ए बी सी आर डिस्टिंक्ट हैं. ए बी आर डिस्टिंक्ट हैं तो पहले कॉन्ग्रुएंट है, फिर सी डिटरमिनेशन फॉर्म में लिख लूँगा. ये कॉन्ग्रुएंट दे रखी है तीन इक्वेशन में, क्या जाएगा ये ए ए वन वन फोर कॉन्ग्रुएंट फोर कॉन्ग्रुएंट ए वन 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 बी वन 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 क्या जाएगी वन 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 वन. अच्छा फोर कॉन्ग्रुएंट के लिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी? अब इसको क्या बना लूंगा मैं, जीरो बना लूंगा, ये कुछ जीरो बना लेता हूँ. जैसे क्या जाएगा ये सी टू माइनस सी वन एक तो ये जीरो जीरो बन जाएगा. ये एक क्या क्या लगा लूँ मैं सी टू माइनस सी वन एक तो सी टू माइनस सी वन एक क्या कर लगा दूँ सी थ्री माइनस सी वन एक क्या लगा लूँ मैं सी थ्री माइनस सी सी टू माइनस सी वन वन माइनस ए डी माइनस ए वन वन क्या जाएगा ए वन वन क्या जाएगा वन माइनस ए जीरो डी माइनस वन जीरो वन ये क्या जाएगा वन माइनस ए वन माइनस ए वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो नहीं वन माइनस ए वन माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन सी माइनस वन. और अब इसको यह मैं एक्सपेंड कर दूँ, क्या क्या कर देता हूँ मैं एक्सपेंडेशन कर देता हूँ मैं किसकी यहाँ एक्सपेंड कर दूँगा इसको इस पहले के रो में कर देता हूँ. क्या आ जाएगा ए ये क्या जाएगा ए बी माइनस वन सी माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन माइनस वन माइनस ए वन माइनस ए इसका वन माइनस ए मैं करूंगा तो क्या जाएगा सी माइनस वन क्या जाएगा सी माइनस वन. अब फिर वन माइनस ए के फिर से करूंगा मैं क्या जाएगा प्लस वन माइनस ए क्या जाएगा बी माइनस वन क्या जाएगा बी माइनस वन इक्वल टू क्या जाएगा ये सारा इक्वल टू क्या जाएगा सारा क्या जाएगा ये जीरो आ जाएगा क्या जाएगा ये. अच्छा ये अब इसका याद है. अब आगे क्या करते हैं इसमें इसको सारे को वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं. क्या कर देते हैं इसको वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं. क्या जाएगा वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से डिवाइड बाई वन माइनस ए वन माइनस बी एंड वन माइनस सी
क्या जाएगा ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। क्या जाएगा ये a अपॉन देखो 1 माइनस बी से ये माइनस का हो जाएगा और 1 माइनस सी ये माइनस को मैं ले कट जाएगा क्या जाएगा a अपॉन 1 माइनस a। देखो ये हो जाएगा ना क्या जाएगा ये क्या जाएगा a b माइनस 1 c माइनस 1 अपॉन 1 माइनस a 1 माइनस b। ये इस तरह क्या जाएगा ये इसके नीचे लिख लो क्या जाएगा ये ए बी माइनस वन ए ए बी माइनस वन सी माइनस वन अपॉन वन माइनस ए वन माइनस बी और वन माइनस सी प्लस। फिर क्या जाएगा ये माइनस वन माइनस ए सी माइनस वन अपॉन वन माइनस ए वन माइनस बी और 1 माइनस प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इक्वल टू 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू 0। देखो भाई इससे क्या जाएगा ये 1 माइनस बी 1 माइनस बी ये 1 माइनस सी से ये कट जाएगा बी माइनस 1 सी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो क्या जाएगा ए अपॉन 1 माइनस ए ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस। इससे क्या कट जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस ए इससे कॉमन लेगा माइनस 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 प्लस तो क्या जाएगा प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस। इससे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए से 1 माइनस ए बी माइनस 1 ये माइनस को मिल लूँगा इससे क्या जाएगा फिर एक बार इसको मिलने क्या जाएगा बोले प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस सी क्या जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0 ये आ गया। अच्छा अब इसको क्या कर लेता हूँ मैं ये है ए अपॉन ए माइनस 1 क्या आ गया ये ए अपॉन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इसको क्या कर दूँ एक बार जोड़ दूंगा एक बार माइनस कर दूंगा यहाँ से a प्लस 1 a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इसे अलग अलग कर लूँगा मैं फिर कहेगा a माइनस 1 अपॉन 1 1 a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इधर एक इधर आ जाएगा क्या जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई क्या इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस ए है 1 माइनस ए येगा 1 माइनस ए क्या आएगा ये 1 माइनस ए क्या आएगा ये 1 माइनस ए 1 माइनस ए इसको माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा ये 1 माइनस ए यहाँ क्या जाएगा ये माइनस क्या जाएगा ये और सारा रिपीट जब आएगा ये है ना a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए इसे कर दूंगा a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए इन दोनों में क्या लिखूँगा माइनस को कॉमन लूंगा जब जाके सेम एंटिटी नंबर आ जाएगा जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन माइनस ए ये आ जाएगा माइनस ठीक है ये क्या आ जाएगा ये इसलिए माइनस आएगा इधर आगे क्या जाएगा प्लस के। देखो क्या था ये क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन है ये
क्या क्वेश्चन था है? ये था ए एक्स प्लस प्लस वाई प्लस वन, ये तीन इक्वेशन है, इनके कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी आर, क्या है डिस्टिंक्ट है, ए बी आर डिस्टिंक्ट है तो कॉन्ग्रुएंट है, इस फॉर्म में लिख दिया। इसको क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम जीरो बना के फिर इसका जो है ये आगे इसका डिटरमिनेशन लिया, ये आगे डिटरमिनेशन, ये इसका डिटरमिनेशन आ गया सारा। इस डिटरमिनेशन को इस फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी से इसको सबको डिवाइड कर दिया, सबको ये डिवाइड कर दिया। ये जैसे ये है बी माइनस वन, ये वन माइनस बी, दोनों से माइनस को मैं ले लूँगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि सी माइनस वन फिर एक और माइनस लूँगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्या आएगा ये वन माइनस सी। तो इसी तरह करते करते ये क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस ए, क्या जाएगा वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन बी वन अपॉन सी की वैल्यू क्या आ गई, ये वन आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन। प्रोडक्ट ऑफ मान लिया दो डिटरमिनेशन है, लेट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू ए वन बी वन सी वन, यह ए टू बी टू सी टू, यह ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये डेल्टा वन है, एक डेल्टा टू है, ये क्या है अल्फा वन बीटा वन, अल्फा वन बीटा वन एंड गामा वन, यह है एल्फा टू बीटा टू, यह है गामा टू, यह है एल्फा थ्री, यह है बीटा थ्री, यह है गामा थ्री, इनकी दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू यानी कि डेल्टा वन क्रॉस डेल्टा टू, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेशन इज डेल्टा वन क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा टू, होती क्या है डेल्टा वन क्रॉस डेल्टा टू, मल्टीप्लिकेशन बाई रो बाई कॉलम या कॉलम बाई रो, रो बाई कॉलम, ये आ जाएगा क्या आएगा ए वन एल्फा वन, ए वन एल्फा वन, ए वन क्या आएगा ए वन एल्फा वन प्लस क्या जाएगी ए वन एल्फा वन बीटा वन बीटा वन सी वन गामा वन, क्या जाएगी ए वन एल्फा वन, ए वन एल्फा वन प्लस बी वन बीटा वन प्लस सी वन गामा वन प्लस सी वन गामा वन, ठीक क्या जाएगी ए वन एल्फा टू प्लस बी वन बीटा टू प्लस सी वन गामा टू, फिर सिमिलरली ए वन गामा वन, ए वन एल्फा थ्री बीटा वन बी वन बीटा थ्री सी वन गामा थ्री, सिमिलरली रो बाई रो क्या आ जाएगा ये
फिर इसी तरह से इसकी क्या जाएगा ए टू अल्फा वन प्लस बी टू बीटा वन प्लस सी टू गामा वन ए टू अल्फा टू बी टू बीटा टू प्लस सी टू गामा टू प्लस ए टू अल्फा थ्री बी टू बीटा टू ए टू अल्फा थ्री बी टू बीटा थ्री प्लस सी टू गामा थ्री। अब इसी की अब इसमें क्या आएगा ए थ्री अल्फा वन ए थ्री अल्फा वन प्लस बी थ्री बीटा वन प्लस सी थ्री गामा प्लस ए टू अल्फा टू ए टू ए थ्री अल्फा थ्री ए थ्री अल्फा टू प्लस ए थ्री बी बी थ्री बीटा टू प्लस सी थ्री गामा थ्री। अब क्या जाएगा ए थ्री अल्फा थ्री ए थ्री अल्फा थ्री बी थ्री बीटा थ्री प्लस सी थ्री ये जो है ये इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। अगर मान लिया ये है मान लिया डेल्टा इक्वल टू क्या था ये मान लिया प्रोडक्ट आ गई डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू ये आ गया डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इफ इफ वी हैव इफ वी हैव डेल्टा वन इफ वी हैव डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू क्या आ गया मान लिया डेल्टा की इक्वल है इसकी वैल्यू डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों क्या है इक्वल है और दोनों को एक असाइन वैल्यू हो रही है डेल्टा हो रही है तो क्या आएगा डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड विच वी हैव द सेम सेम डेटिवेशन दैट इज कॉल्ड द डेल्टा का स्क्वायर। एक फॉर्मूले याद कर लेना इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बराबर क्या है फॉर्मूला है वो क्या है डेल्टा सी बराबर डेल्टा की पावर एन माइनस डेल्टा की सी पावर वेयर डेल्टा सी इज द डिटरमिनेंट फोन बाय द इज द डिटरमाइंड बाय द कोफैक्टर वेयर डेल्टा सी इज द डिटरमाइंड द फॉर्म ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डेल्टा वेयर डेल्टा सी इज द डिटरमाइंड बाय द कोफैक्टर ऑफ डेल्टा एंड एन इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमाइंड डिटरमिनेंट का ये जो है डेल्टा सी ये होता है डिटरमिनेंट का ये जब भी डेल्टा इसका अगर ये डेल्टा सी यानी डेल्टा है कोफैक्टर
कोफैक्टर का जो ट्रिगनोमेट्री है इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन, डेल्टा सी जो है क्या है कोफैक्टर का डेल्टा है ये, और एन एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर जितने भी ऑर्डर ऑर्डर का है मैट्रिक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हाँ जब भी हमें एडजेंट निकालने के लिए निकालेंगे बड़ा यूजफुल होगा, एडजेंट की डिटरमिनेशन निकालने के लिए बड़ा यूजफुल फार्मूला होगा। जैसे अब है जैसे ये क्वेश्चन है, ये फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग फैक्टराइज द फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसे फैक्टर करना है फैक्टर करना है थ्री ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री, ए प्लस बी प्लस सी जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर है ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री, फिर ए की पावर फाइव फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, देखो भाई ये क्या थ्री ए प्लस बी प्लस सी ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री सी की पावर थ्री प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर फोर बी का सी की पावर फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए की पावर थ्री ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव प्लस सी की पावर फाइव। अब देखो इसको थ्री को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थ्री को पहले कर लिया मैंने क्या कर लिया थे वन प्लस वन प्लस वन, ये तीन फॉर्म में लिख लिया थ्री क्या आ गया ये, अच्छा अच्छा इसे सामने लिख लो, इसको थ्री को क्या कर लिया मैंने वन प्लस वन प्लस वन, फिर क्या कर लिया ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या कर लिया ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस सी की पावर थ्री, फिर क्या कर लिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या कर लिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या कर लिया ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस सी की पावर फोर, फिर नीचे क्या कर लिया मैंने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या कर लिया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, फिर क्या कर लिया ए की पावर फाइव प्लस बी की पावर फाइव प्लस सी की पावर फाइव, ठीक है भाई। अब इस ये जो किसकी प्रोडक्ट आ रही है ना वन इंटू वन, वन मल्टीप्लाई वन होगा पहले समय, यहाँ भी क्या होगा दूसरे में वन इंटू वन होगा, ये तीसरे में क्या होगा वन इंटू वन, वन इंटू वन यानी वन रहा होगा ये वन वन, फिर क्या आएगा ये होगा ए बी सी वन 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 ए बी सी, ये किसके अलावा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कहेंगे हो गया वन 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 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी,
देखो देखो इस इसकी मल्टीप्लाई वन इंटू वन 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 इंटू ए वन इंटू वन वन इंटू वन वन इंटू वन वन इंटू वन ये रखा। फिर इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी वन इंटू ए वन इंटू बी इसे कहते हैं वन इंटू सी है वन इंटू ए नहीं कर सकते ना वन इंटू ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी ये इस तरह तो रखा है। फिर ये से किससे कर सकता हूँ मैं वन इंटू ए क्यूब प्लस वन इंटू बी क्यूब प्लस वन इंटू सी क्यूब इस तरह कर सकता हूँ। तो इसमें वन वन आ गया ठीक। फिर क्या आ गया ए बी सी फिर क्या आ गया वन इंटू वन फिर ए बी सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सारे जो है इस तरह आ गए। अच्छा अब इसकी ये कल मैंने लास्ट टर्न पे ये बताई थी इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसकी भी और इसकी भी वन ए ए वन ए बी स्पेशल केस है। इसकी इसकी वैल्यू क्या होती है वन वन ए माइनस बी सी की क्या होती है वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई थी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इसकी वैल्यू क्या आ गई थी तो यहाँ से किसकी वैल्यू क्या आ गई थी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ठीक। और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू बताई थी मैंने स्पेशल केस में इसकी वैल्यू क्या आ गई थी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों की प्रोडक्ट कर लूँगा ए माइनस बी क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी दैट इज भाई। देखो ये एक इसकी डिटर्मिनेशन थी इसको इसको ये सोल्व करना था क्या सोल्व इसकी वैल्यू क्या करना था सोल्व। देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी थी क्या वैल्यू होगी इसको थ्री को क्या कर दिया मैंने वन प्लस वन और सब जीरो टू रखा ये ए बी वन इंटू ए वन इंटू बी वन इंटू सी इसे इस तरह कर लिया जिसे वन इंटू ए वन इंटू बी वन इंटू सी वन इंटू ए स्क्वायर वन इंटू बी स्क्वायर वन इंटू सी स्क्वायर ठीक। तो इसको ये हमें पता ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट रखी है ये दोनों चीज़ें क्या है ये प्रोडक्ट रखी है मेडिसिन में। तो अब इसको अब इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कल रटाए थे मैंने तो इसकी जो है इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है इसका भी डायरेक्ट फार्मूला ये दिख दिया और इसका जो है दोनों क्या आ गया इसका आंसर तो क्या आ गया आंसर। अब क्या है एक और सवाल है सवाल वन एक्स एक्स स्क्वायर इफ वन एक्स एक्स का स्क्वायर इफ वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स का स्क्वायर वन एक्स का स्क्वायर वन और एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू थ्री इक्वल टू थ्री फाइंड इक्वल टू थ्री है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वन जीरो
x माइनस एक्स टू पावर फोर जीरो x माइनस एक्स पावर फोर x माइनस एक्स पावर फोर x का क्यू माइनस वन x का क्यू माइनस वन x माइनस एक्स का फोर और x पावर फाइव माइनस वन ये गिवन है, ये गिवन है वन एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन एक्स इक्वल टू थ्री, ये है एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स पावर फोर जीरो एक्स माइनस एक्स पावर फोर एक्स क्यूब माइनस वन एक्स माइनस फोर एक्स पावर थ्री माइनस वन फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो भाई अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी इसकी वैल्यू किससे निकल जाएगी भैया, डिटरमिनेशन है ये है वन एक्स एक्स का स्क्वायर यह एक्स एक्स का स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन एक्स ये क्यों है। अच्छा अब हमें एक चीज पता लग रही है कि वैल्यू तो इसकी यदि है कि है और निकालनी है मुझे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू किससे निकाल सकते हैं देखो सोचो। अच्छा इसमें जीरो भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक तरीका तो हो सकता है इसका कि है हम इसको जो है सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें और एक्स की वैल्यू जो है यहाँ यहाँ करते हैं यहाँ करते हैं इसको डिटरमिनेशन की वैल्यू निकाल लें तो दैट इज द लेंथ, दैट इज द लेंथी प्रोसेस है, ये जो है काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू सोल्व करें यहाँ दिया का फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें इसको डिटरमिनेशन निकाल लें तो ये है बहुत लाभ में बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ रही है, देखो ये इसका जो है वन का अगर कोफैक्टर क्या है, वन का कोफैक्टर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स की पावर थ्री माइनस वन, ये होता है ये इसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ ठीक है कोफैक्टर ऑफ ए वन वन ये कहते हैं या एक्स कोफैक्टर ऑफ ए वन वन क्या आएगा ये एक्स की पावर थ्री वन, अब है कोफैक्टर ऑफ ए वन टू को फैक्टर वन टू का क्या आएगा ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो आ जाएगा दैट इज द जीरो आंसर, को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री एक्स माइनस एक्स की पावर फोर क्या आएगा ये एक्स माइनस फोर। अब हम इस तरह देखते हैं इसका ईच एलिमेंट Each element for this matrix is the cofactor of given matrix. For each element of this matrix is the cofactor with the respective corresponding element cofactor. है it is the cofactor. It is the given this determination is the cofactor of the given determinant. इस determinant का ये cofactor determinant है। अच्छा ये इसका इसका डॉक्यूमेंट को फैक्टर आ गए तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा सी बराबर हैंस लिखेंगे क्या है इफ द कोफैक्टर डिटरमिनेंट कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का ये इसका कोफैक्टर आ गया, इसका डिटरमिनेंट का जब ये कोफैक्टर आ गया तो फॉर्मूला होता है डेल्टा सी इक्वल टू भी बताया था मैंने तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन, यानी इस कोफैक्टर की ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट है ये डेल्टा ओरिजिनल है जो गिवन है डेल्टा की पावर एन माइनस वन जितने ऑर्डर दे रखा हो जितने का ये ऑर्डर दे रखा हो और ये डेल्टा सी डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया
अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा सी, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ गई है ये दिखा रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू है डेल्टा के लिए थ्री, एक की वैल्यू थ्री, एन एन कितने ऑर्डर का है, थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेशन है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ही स्क्वायर होगा तो थ्री बाई थ्री थ्री का है, तो थ्री की पावर थ्री माइनस वन, तो क्या गया थ्री की पावर टू, थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री, थ्री थ्री का नाइन, तो दैट इज द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज द वैल्यू इज नाइन। तो इसमें बस थोड़ी बहुत जल्दी ये चेक करना है कि ये इसका कोफैक्टर है, फिर इसका फार्मूला बस हम वो लगा लेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा डी डेल्टा सी डेल्टा एन की माइनस वन। आई बात में देखो क्या है, क्या क्वेश्चन है, एक ही गिवन जो है डिटर्मिनेशन है इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू निकाल दी है, इसकी वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन है या और भी अल्टरनेट मेथड से करें हिट एंड कुछ भी करें, तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले ही देखते हैं कि यह है क्या कोफैक्टर दिख रही है, क्या देख रही है इसकी कोफैक्टर, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर डेल्टा सी, अगर मतलब एक डिटरमिनेंट ओरिजिनल है और उसका कोफैक्टर है, इसके बीच फॉर्मूला हम बताएं डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज द डिटरमिनेंट ऑर्डर, डेल्टा सी इज द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट कोफैक्टर, ये जो है आ गया वो इसकी वैल्यू कितनी देर की थ्री, थ्री की पावर थ्री माइनस वन, थ्री की पावर टू, थ्री थ्री का नाइन, तो डेल्टा इक्वल टू टू आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़े भाई, सो दैट अब क्या है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बी सी माइनस ए का स्क्वायर, बी सी माइनस का ए का स्क्वायर, सी ए माइनस का बी का स्क्वायर, सी ए माइनस का बी का स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, ये आ गया ए बी माइनस के सी स्क्वायर, ये आ गया सी ए माइनस का बी स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, बी सी माइनस का ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये ए बी माइनस का सी स्क्वायर, बी सी माइनस का ए स्क्वायर, ये क्या आ गया सी ए माइनस का बी स्क्वायर। ये है, अगर ये है ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, या ये कह देता है कि इसकी दोनों प्रूफ कि ये दोनों इक्वल वैल्यू होंगी नहीं होंगी, अगर इसकी वैल्यू समथिंग असाइन कर दे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ये इसको जो है ये
ये निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, अब मान लिया तो इसकी कोई असाइन वैल्यू कर देगा तो इसकी वैल्यू निकलेगा, या क्या कहेंगे दोनों इक्वल होंगी या नहीं होंगी, या है तो क्या वैल्यू है, तो इस तरह है। तो इस तरह क्या है, गिवन क्या है मुझे, देखो भाई, बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। एक और क्या है नीचे, सी ए माइनस के बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस के बी स्क्वायर, ये गिवन है। अच्छा, इससे एक बात पता लग रही है, ये गिवन है तो ये भी एक अपने आप में, देखो ना तो इसमें जीरो हो सकते हैं ना कोई गिवन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो है एक जो है इसका कोफैक्टर है, इसकी कोफैक्टर है ये ए बी सी किसकी है, अगर ये एक ए बी सी क्या है, ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, इसकी इसकी जो है इधर कोफैक्टर ऑफ दिस, जिस तरह एक क्या जाएगा यहाँ बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये था देखो इसके लिए क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए, अब माइनस आएगा तो चेंज होगा बी स्क्वायर, हैं इट इज द कोफैक्टर, इट इज द, इज द कोफैक्टर ऑफ, इट इज द कोफैक्टर ऑफ, ये गिवन मैट्रिक्स का इसका इधर ये सब कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू के लिए डेल्टा की पावर n माइनस वन के बराबर होगी, यानी डेल्टा की पावर, डेल्टा की पावर n माइनस वन के बराबर होगी, डेल्टा की पावर थ्री माइनस वन क्या डेल्टा का स्क्वायर, यहाँ की करोगी हो डेल्टा के स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी डेल्टा का स्क्वायर, ये क्या जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्या आएगी है बी सी माइनस ए स्क्वायर, इसको इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ भाई मैं, ए बी सी को, ए बी सी को क्या जाएगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसका स्क्वायर है ना, ये इसको दो तरीके से लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ये कर दिया मैंने, ठीक। अब क्या करा मैंने, इसको इसे से एडिटिंग रखा मैंने, इसे भी जुगतन रखा, इसका मैंने इंटरचेंज कर दिया, रो दोनों कॉलम को क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया, दोनों कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो इसका क्या जाएगा, साइन जो है चेंज आएगा, क्या जाएगा, ये ए बी सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, बी सी ए, ठीक। और जब मैं इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसकी इसमें, इसकी इसमें वी हैव सेम एडिटिव वैल्यू, क्या आ जाएगा, ये देखो ये ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस के, क्या जाएगा ये ए स्क्वायर, इसकी माइनस के बी सी प्लस बी सी से चले जाएगा, दैट वी हैव ई वी। अच्छा, इन दोनों की प्रोडक्ट करो भाई, इस मैट की डिटर्मिनेशन की और डिटर्मिनेशन की प्रोडक्ट करो, क्या आ गया देखना था भाई, ये
देखो ये क्या आ गया, ये भी यही आ जाएगा, बिल्कुल सेम एक चीज, बिल्कुल सही कहा, जैसे यह है इसकी इक्वेशन यही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी आ जाएगी, यही आ गई, क्या आ गई, ए स्क्वायर क्या गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, इसकी क्या आ गई, टू ए बी क्या आ गया, टू ए बी बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू बी सी माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर इसका सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, देखो क्या है, ये एक मैट्रिक्स था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें पता है ये मैट्रिक्स इसका कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर, इन्हें स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटरचेंज रो कर दिया, माइनस का साइन भी यहाँ आ जाएगा, फिर अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो दैट इज सोल्व, दैट इज कि इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों आसान हो जाएगा। नया टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट है उसका जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें जो है निकालना है, क्या निकालना है, एक डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, जैसे इफ मान लिया कोई डिफरेंशियल है, कोई गिवन कोई डिटरमिनेंट है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, ये ए बी सी कोई है पी क्यू आर, ये कोई गिवन है, क्या गिवन है, ये कोई डेल्टा एक्स बराबर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या है ये ए बी सी वेयर ए बी सी पी क्यू एंड आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा, ये इसका डेल्टा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार क्या करना है, अगर एक बार मैं इसका डिफरेंशियल निकाल लूं, इसका किसके एक निकाल लूं, इसका डिफरेंशियल निकाल लूं एक बार, डेल्टा एक्स बराबर किया जाएगा ये एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स किया जाएगा, एक बार इसका डिफरेंशियल ये आ जाएगा, ये फिर क्या जाएगा इसका सेम एवं तीन नंबर जाएंगे ए बी सी पी क्यू आर सी आर, सी आर ठीक है, अगर इसका एन बार डिफरेंशिएशन करना हो, इसका क्या करना हो, इसका एन बार डिफरेंशिएशन करना हो, यानी डेल्टा डैश एक्स आया, क्या है डेल्टा डैश एक्स, अगर इसका एन बार डिफरेंशिएशन करना हो डेल्टा की पावर एन एक्स, इसकी इसका एन बार डिफरेंशियल करना हो तो क्या जाएगा, ये डेल्टा की पावर डी की पावर एन क्या जाएगा, डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एफ वन एक्स इसका डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एफ टू एक्स, ये क्या जाएगा डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन एफ थ्री एक्स, और ये ए बी सी जो कि
देखो क्या है भाई, ये कोई एक डिटरमिनेंट है, ये दे रखा है, इसका अगर एक बार डिफरेंशियल लिखेंगे, एक रो को उसका डिफरेंशियल करके ये लिख लेंगे, तो एक बार डिफरेंशियल कर, एन बार डिफरेंशियल करना हो तो उसको इस रो को ही क्या है एन बार डिफरेंशियल करिए, तो ये आ जाएगा डी पावर एन डी पावर एक्स वन एफ वन एक्स डी टू एफ टू एक्स और ये एफ थ्री एक्स आ जाएगा। इस तरह का है, हम किसी भी जो है उसमें डिफरेंशियल हम कर सकते हैं, हम जो है यानी डिफरेंशिएट वी कैन डिफरेंशिएट फॉर विद एनी रो और एनी कॉलम, इसी तरह हम किसी कॉलम के या किसी रो के भी उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दैट इज नॉट चेंज द वैल्यू। ठीक है भाई, अब जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छा इसमें करेंगे, अगर इसके करेंगे ये तो कॉन्स्टेंट है ही, कॉन्स्टेंट का तो क्या आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की क्यों नहीं करा भाई, ये कॉन्स्टेंट के में क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी पावर एन डी एक्स पावर एन एफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एन बिलोंग्स टू जैन, इसकी वैल्यू हमें जो है डिफरेंशियल निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ इसके रेस्पेक्ट में, क्या निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या आएगा ये इसके रेस्पेक्ट में, क्या निकालने की कोशिश करता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये क्या आएगा डी की पावर, इसके एन बार डिफरेंशियल निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका एन बार डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या आएगा ये डी की पावर एन x की पावर n, x की पावर n, ठीक है d की पावर n, d x की पावर n, cos x, d की पावर n, d x की पावर n, sin x, फैक्टोरियल n जो कम हुई है, cos n pi by 2, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये sin n pi by 2,
ये 8 हो गया और इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर देखो अगर x की पावर n का अगर x की पावर n का n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या रहता है d पावर x की पावर n का n के रेस्पेक्ट में क्या रहता है, क्या रहता है 1, 2, 3, 4, 5 अब टू फैक्टोरियल n, तो ये क्या आएगा फैक्टोरियल n। तो d की पावर n का x की पावर n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, इसका आ जाता है क्या आ जाता है इसका फैक्टोरियल n, क्या आ जाता है इसका फैक्टोरियल n, इसका तो आ गया फैक्टोरियल n। और ये फैक्टोरियल n भी जीरो टू और ये ठीक है। अच्छा और d की पावर n का cos x के रेस्पेक्ट में d की पावर n का d की पावर x का cos x क्या आता है माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस साइन एक्स कुछ लिख सकता हूँ इधर कोस एक्स प्लस पाई बाई टू फिर इसका एक ओवर डिफरेंशिएट करूँगा तो इसका क्या आ जाता है कोस एक्स एन प्लस पाई बाई टू क्या आ जाता है इसका कोस एक्स प्लस एन पाई बाई टू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ कोस एक्स प्लस जितनी बार डिफरेंशिएट करें उतनी बार याद करेगा ठीक है फिर इधर साइन एक्स प्लस पाई बाई टू फिर इधर कोस टू पाई इस तरह चलता रहेगा भैया और ये जीरो तुम cos n पाई बाई टू cos n पाई बाई फोर और ये फोर इस तरह ही फिर है डिफरेंशिएट ऑफ x का sin के टर्म्स में ये क्या रहता है sin x n पाई बाई टू क्या रहता है sin x प्लस n पाई बाई टू ये क्या जाएगा sin n पाई बाई टू ये क्या जाएगा a भाई। अब क्या करा मैंने मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है फोर फोर एक्स इक्वल टू जीरो फोर एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालनी है फोर एक्स इक्वल टू जीरो फोर एक्स इक्वल टू जीरो फोर एट द लिखेंगे एट द एक्स इक्वल टू जीरो डी पावर एन डी एक्स पावर एन इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं तो क्या आएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन टू ये क्या आएगा cos n पाई बाई टू cos n पाई बाई टू cos n पाई बाई टू ये क्या आएगा फोर ये क्या आएगा sin n पाई बाई टू ये आएगा sin n पाई बाई टू और ये क्या आएगा a। इसमें देखते हैं ये जो है c1 और c2 दोनों सेम है इफ इन द डिटरमिनेंट टू रो और टू कॉलम सेम देन द डिटरमिनेशन वैल्यू विल बी जीरो तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी जीरो। देखो ये सवाल क्या था ये सवाल था ये एफ एक्स इक्वल टू ये डिटरमिनेशन था इसकी वैल्यू निकाल दिया डी की पावर एन एफ एक्स की एक्स इक्वल टू जीरो है वेयर एन बिलोंग्स टू जेड तो क्या आ गया इसकी जो है मैंने डिटरमिनेशन कर ली इस रो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ये आ गया x की पावर n का सीधा डायरेक्ट है x की पावर n का n बार डिफरेंशियल क्या आता है फैक्टोरियल n पढ़ा था हमने cos x का क्या आता है cos x n प्लस पाई बाई टू साइन x का क्या आता है साइन x प्लस n पाई बाई टू और इस डिफरेंशियल की मूल्य x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू किस पर निकालनी है डिफरेंशियल की जीरो इसकी वैल्यू एफ एक्स की x इक्वल टू जीरो पे तो d पावर n d पावर x माइनस n x इक्वल टू जीरो पे जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा तो ये वी हैव द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू इज द सेम इफ इन द डिटरमिनेशन इफ देयर देयर आर टू कॉलम और टू रो आर आइडेंटिकल देन देयर विल बी डिटरमिनेशन विल बी टू द जीरो हैव इन डिटरमिनेशन इज जीरो तो इफ द गिवन इज सच दैट इस कंडीशन देन द एन डिफरेंशियल ऑफ दिस
पर्टिकुलर डेस्टिनेशन विल बी जीरो, वेयर एन बिलोंग्स टू देम। ठीक है भाई, आए समझ भाई? आज के लिए भाई इतना ही है, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल, बेस्ट ऑफ।